हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात, और आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। हर बार की तरह एक वीडियो के साथ आज आपके सामने मैं यहां पे उपस्थित हूं। हर बार हम बात करते हैं कोई ना कोई एक डिसीज के बारे में, एक पेशेंट से आपको मिलवाया जाता है, लेकिन इस बार हमारा टॉपिक कुछ और है। इस बार मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, एक ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक आपको बताने वाला हूँ। आज हम सब लोगों को पता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से परेशान है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। दोस्तों, आप सब लोगों ने यह सुना होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों से कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और ये एक बहुत सही बात है। आयुर्वेद ने कोरोना वायरस में अपने चमत्कारिक रिजल्ट दिए हैं दोस्तों। यस, मैं कह सकता हूँ मिरेकल रिजल्ट्स आयुर्वेद से कोरोना वायरस में मिले हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक प्रकार का ज्वर है, ज्वर यानी फीवर, और जो कफ और वायु की वजह से होता है। कफ वातज ज्वर है, और आयुष मंत्रालय के द्वारा एक हर्बल ड्रिंक बताया गया है कि जो कोरोना के इस काल में हम रेगुलर अपने घर में उसको पी सकते हैं, और उसके माध्यम से उसके द्वारा हम हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज आपको मैं बताने वाला हूँ उस एनर्जी ड्रिंक के बारे में, उस चाय के बारे में कि जो आप घर में ही बना सकते हैं। जो चीज़ें उसमें यूज़ होने वाली है, उस हर्बल ड्रिंक में जो चीज़ें यूज़ होने वाली है वो हमारे घर में ही है, हमारे किचन की चीज़ें यूज़ करके उसको हमें बनाना है और पूरी फैमिली को इसको पिलाना है, ताकि हम कोरोना वायरस से हमारी और हमारे पूरे परिवार की हिफाजत कर सकें। ना ही सिर्फ कोरोना वायरस से, लेकिन जिन लोगों को सर्दी, कफ, साइनस या एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है वो सारे लोग इसको ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से हम हमारा हर्बल ड्रिंक बनाएंगे, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और हमें और हमारे परिवार को बचाएगा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। तो सबसे पहले इसमें यूज होगा, ये आप सबको पता होगा, हर एक के घर में ये मिलता है, ये तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी कितनी गुणकारी है, सारे ग्रंथों में, कुरान में, गीता में, सब में तुलसी का उल्लेख है। तुलसी अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखने जाए तो तुलसी जो है वो ज्वरग्न है, मतलब कि फीवर की दवाई है, कफ और वायु की दवाई है। सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड, कफ, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने 20 से 30 पत्ते तुलसी के लिए हुए हैं। उसके बाद ये है फुदीना, मिंट फुदीना के हमने लिए हुए हैं 10 पत्ते। ये जो हर्बल ड्रिंक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ, ये 5 लोगों के लिए है। 5 लोगों के लिए हमें कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें लेनी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है हमारा सौंठ। ये सौंठ का पाउडर है, सौंठ यानी जिंजर, ड्राई जिंजर का पाउडर है। सौंठ एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषध है, जिसके ऊपर हजारों रिसर्च हो रहे हैं आज की डेट में भी, और कोरोना के इस युग में सौंठ जो है उसने अपनी कारगरता साबित की हुई है। सौंठ से हम बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद अगले ये मुनक्का है, आप लोगों को पता होगा, काली सूखी द्राक्ष मुनक्का, ड्राई ब्लैक रेजिन, इसके हमने 20 पीस लेने हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे हमको 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो देना है, या तो डायरेक्ट भी उसको आप लेके थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के रख सकते हैं। 20 पीस आप मुनक्का के ले सकते हैं। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जिसको हम तेज पत्ता कहते हैं, गुजराती में इसको तज कहा जाता है। ये बेस्ट कफ और वात नाशक औषध है, कफ और वायु की बेस्ट दवाई है, जो हमें इस महामारी से आराम से बहुत अच्छी तरीके से बचा सकती है। और उसके बाद का इंग्रेडिएंट है काली मिर्च, ब्लैक पेपर सीड्स, ये हमको 10 लेने हैं। ब्लैक पेपर भी कफ और वायु की उत्तम औषधि है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक गुड़ है, तकरीबन 20 ग्राम के करीब हमें ऑर्गेनिक गुड़ लेना है। गुड़ जो है वो शरीर को बल प्रदान करता है। हमें पता है कि जब भी घर में कोई बाहर से गर्मियों के सीजन में आता है तो हम उसको शरबत बना के देते हैं जिसमें गुड़ डालते हैं, तुरंत ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमें कोई भी फीवर होता है या कोई भी डिसीज होता है तो शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की ताकत कम हो जाती है, और गुड़ उसको तुरंत ही शक्ति प्रदान करता है। तो ये गुड़ का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। ये सारे जो औषध आपको मैंने बताए एक एक करके, ये सारे जो औषध हैं ये शरीर को कफ, वायु और फीवर, मतलब के सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ,
ये सारी जो तकलीफ है उससे बचाने वाले और शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करने वाले औषध हैं। और उसके अलावा विटामिन सी जो कोरोना के इस रोग में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, विटामिन सी हम एक लेमन डालेंगे, एक पूरा लेमन या आधा लेमन भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे हमारा आयुर्वेदिक हर्बल ड्रिंक, आयुर्वेदिक हर्बल एनर्जी ड्रिंक, ये जो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके हमें महामारी से और रोग से बचाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इस ड्रिंक को हमको कैसे बनाना है। आइए फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारा एनर्जेटिक ड्रिंक, हर्बल ड्रिंक हमको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें 250 ml 250 ml पानी लेना है। ये हो गया हमारा 250 ml वाटर। उसके बाद हम ऐड करेंगे, सबसे पहले ये हमने पेस्ट बना दी है तुलसी और पुदीना को मिक्स करके, वो डाल देनी है। और हमारा ऑर्गेनिक गुड़ वो डाल देना है। इसको थोड़ी देर तक पकने देना है। थोड़ी देर तक पकने के बाद हम ऐड करेंगे मुनक्का, उसकी भी पेस्ट कर दी है। मुनक्का हमें 20-25 पीस लेने हैं करीबन। उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्लैक पेपर का पाउडर, तेज पत्ता 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम सौंठ और एक लेमन, एक पूरा लेमन इसमें हम डाल देंगे स्क्वीज करके। सो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद इसको धीमी आंच पे 3 से 5 मिनट तक गर्म होने देना है और उसके बाद हमारा हर्बल ड्रिंक तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों, ये हमारा बन गया है हर्बल ड्रिंक। हर्बल टी हमारी तैयार हो चुकी है। ये हर्बल टी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सजेस्ट की हुई है और इस तरीके से कुछ ये हर्बल टी का कलर बनेगा। और इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, एकदम बढ़िया टेस्ट है। बच्चों को भी पसंद आएगा, घर में सबको पसंद आएगा। आप सब लोग अपने घर के हर एक मेंबर को रोज ये हर्बल ड्रिंक पिलाइए। मेरा सजेशन है सुबह 10 बजे के करीब या 9 बजे के करीब, और शाम को अगर लेना है तो 4 बजे के करीब इस हर्बल ड्रिंक को हम ले सकते हैं। और इस हर्बल ड्रिंक का सेवन करके हम अपने पूरे परिवार को इस महामारी से बचा सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।